नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हर व्यक्ति ये चाहता है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, वो जहां भी जाए लोग उसके पीछे पीछे घूमें, और खास करके जिस व्यक्ति से वो बहुत प्यार करता है हमेशा चाहता है कि वो व्यक्ति भी उससे प्यार करे, उसकी तरफ अट्रैक्ट रहे। तो आज जो उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों, ये उपाय सरल से भी सरल, एकदम इजी है और कर लेने के लायक है। तो जो नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरे वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। पता नहीं आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कब कहाँ किसका भला हो जाए। दोस्तों, बहुत ही आसान उपाय है, बिना समय आपका बिगाड़े। काफ़ी लोग ये कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि मैडम आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। काफ़ी लोग लिखते हैं बहुत लंबा ऐसे करके लिखते हो जाता है, हमारा नेट ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करूँ कि मैटर क्या है, ठीक है। सो आई एम वेरी 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 सॉरी जिन लोगों का नेट ख़त्म हो जाता है वीडियो को सुनते सुनते, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जो भी जैसे कोई लेडी से और किसी जेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है, कोई पत्नी अपने पति को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है, या पति अपनी पत्नी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है, तो आपको सबसे पहले सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जिस व्यक्ति को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं उस व्यक्ति को कौन सी चीज पसंद है। वो चीज कोई खाने की भी हो सकती है, वो चीज किसी स्पेशल कोई कलर का कपड़ा हो, या और कोई भी चीज जो उसे बहुत पसंद हो, वो चीज जो उसे बहुत पसंद हो, ठीक है। अब चीजें आपको दोस्तों पसंद कर रहे हैं, कोई ये कहेगा कि आप उसे पूछेंगे भाई तुझे क्या बहुत पसंद है, मुझे तो स्विट्जरलैंड जाना बहुत पसंद है, मुझे ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद है, मुझे तो सिंगापुर में घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो आप सिंगापुर के साथ ये क्रिया नहीं कर सकते, स्विट्जरलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये नहीं कर सकते। आपको चीज उस पर्टिकुलर चीज के बारे में जानकारी हासिल करनी है कि जिस चीज को आप अपने पास रख सके और वो चीज उसकी पसंद की हो, बस। तो दोस्तों, वो चीज जैसे खाने में किसी को चावल बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, थीके? आपको छोटा सा उदाहरण दे दूं, तो आपको थोड़े से चावल लेने हैं, एक चुटकी चावल, उस चावल की तरफ आपको एक टक देखना है, एक टक आप उस चावल की तरफ देखते रहें और उस व्यक्ति का स्मरण करते रहें जिस व्यक्ति को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कंटिन्यू आप उसकी तरफ देखते रहें, और जो भी आपके इष्टदेव हो आप अपने इष्टदेव का पहले आप स्मरण कर लें, उसके बाद आप उन चावलों की तरफ ऐसे देखें जैसे कि आप कोई सामने वाले व्यक्ति की पसंद की चीज़ उसे देंगे जब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे आपने उसकी कोई पसंद की चीज अपने पास रख ली है जिसके लिए उसको आपके पास आना है और आना है, आपके थॉट्स इस टाइप के होने चाहिए। और दोस्तों, उस चीज को आपको अपने पल्लू में बांध लेना है, जो भी लेडीसेस है जो साड़ी पहनती हैं अपने पल्लू में इसे बांध ले और उसमें गांठ मार दें, ठीक है, और उसे अपने पल्लू में बांध करके अपने पास में रखें। सामने वाला व्यक्ति अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा। जो लेडीसेस साड़ी नहीं पहनती हैं, ड्रेस पहनती हैं, वे लोग दुपट्टे में इस चीज को बांध कर अपने पास रख सकती हैं। जो जेंट्स हैं वे अपनी रुमाल में, जिस रुमाल का वो यूज़ कर रहे हैं, हैंडकरचीफ, उसके कोने में उस चीज़ को बांध कर अपने जेब में रख लें। वो चीज़ जो आपके लवर को या जो भी व्यक्ति आपके सामने हो, नॉट नेसेसरी कि वो आपके लवर ही हो सकता है आपके बेटा बेटी भी हो, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो, कोई भी व्यक्ति आपके बॉस भी हो सकते हैं, बस उस व्यक्ति की पसंद की चीज आपको पल्लू में बांधकर अपने पास रख लेनी है, ठीक है।
आप देखेंगे सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा। जब वो व्यक्ति आपके पास आता है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी चीज़ ने काम किया, तो वो चीज़ जिस चीज़ को आपने अपने पास रखा है वो चीज़ उसे देने की पूरी पूरी कोशिश करें। आप देखेंगे उसका प्यार हमेशा आपकी तरफ बहता रहेगा। बहुत ही आसान उपाय है। यदि आप चावल ले रहे हैं, खाने की कोई चीज़ ले रहे हैं, तो जब वो व्यक्ति आपके पास आता है तो उस चीज़ को आप खाने में मिला दें और फिर आप उसे दे दें। इसके सिवाय की कोई चीज़ हो तो आप उस चीज़ को किसी को गिफ्ट में दें या फिर बहते हुए पानी में बहा दें। बहुत ही आसान उपाय है, कर लेने के लायक है। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।